बड़ी खबर इसी बीच आपको बता देते हैं, खेल कोटे से होने वाली भर्तियों को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगी खेल कोटे की नियुक्तियां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला न्यायालय में होने वाली भर्तियों में खेल कोटे को लेकर आदेश जारी किया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान के मूल निवासी खिलाड़ियों को अब भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा। पूर्व कप्तान दानवीर सिंह भाटी ने प्रवक्ता से इस मामले को उठा रखा था। मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी हुए थे और अब इस पर फैसला ले लिया गया है। अब राजस्थान के निवासियों को ही इसका फायदा मिलेगा। ललित वर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। ललित, ये मांग जो है काफी दिनों से चल रही थी, आंदोलन भी इस पर हो चुके हैं, क्या कुछ आदेश में कहा गया है जो इस पूरे मामले के संबंध में? जी बिल्कुल अभिनव, आपको बता दें कि राजस्थान में खेल कोटे के तहत 2% जो भर्तियां होती हैं उनको लेकर ये प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर है कि कार्मिक विभाग ने जिला न्यायालय की एक भर्ती थी जिसमें 2% कोटे को लेकर आदेश जारी किया गया है। इस भर्ती में सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों को ही योग्य माना है, बाहर के खिलाड़ियों को योग्य नहीं माना है, जिसके बाद अब जो जिला न्यायालय की भर्ती है उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान के खिलाड़ियों को ही लिया जाएगा और जो उनका हक है वो उनको मिल पाएगा। अगर बात की जाए लंबे समय से राजस्थान में खेल कोटे के तहत होने वाली भर्तियों में राजस्थान के मूल निवासी खिलाड़ियों को लाभ देने और सिर्फ उन्हीं का हक रखने के लिए आंदोलन देखने को मिले थे। वॉलीबॉल टीम के राजस्थान के पूर्व कप्तान दानवीर सिंह भाटी इसको लेकर कई बार आंदोलन भी कर चुके थे और पिछले दिनों ही जब राजधानी जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया गया था तो उस समय आश्वासन दिया गया था कि राजस्थान के खिलाड़ियों को इसमें पहले रखा जाएगा, यानी कि मूल निवासियों को ही शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर है कि अब राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उन खिलाड़ियों को भी जिला न्यायालय की भर्ती में शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर अगर बात करें कि अन्य जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को लेकर भी अब रास्ते साफ होते हुए नजर आएंगे कि ऐसे जो राजस्थान के मूल निवासी खिलाड़ी हैं उनको ही इसमें शामिल किया जाए। जी अनभिनव, ललित सवाल एक ये भी महत्वपूर्ण है कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं खेलों के प्रोत्साहन की दिशा में भी इसे देखा जाए तो काफी सकारात्मक जो है एक पहल के तौर पर इसे देखा जाएगा। जी बिल्कुल अभिनव, अगर बात की जाए जब खेल कोटे से 2% आरक्षण से भर्ती होती है तो जो सरकार की ओर से कार्मिक विभाग की ओर से जिन खेलों का जिक्र किया गया है उन खेलों में से कई खेल ऐसे हैं जिनको राजस्थान में तो मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन अन्य जो प्रदेश हैं वहां पर उनको ओलंपिक से या अन्य जो भी संस्थान है जिनको क्राइटेरिया में रखा गया है उनसे मान्यता प्राप्त होती है। ऐसे में उस मान्यता के आधार पर वो खिलाड़ी राजस्थान की भर्तियों में शामिल होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और राजस्थान के खिलाड़ियों को उनका लाभ नहीं मिल पाता और बाहरी राज्य का फायदा ले जाते हैं। अभी ठीक है, ललित हमारे साथ दानवीर सिंह भाटी भी जुड़ गए हैं, वॉलीबॉल के राजस्थान के पूर्व कप्तान है, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। दानवीर जी स्वागत है जी राजस्थान में। धन्यवाद सर। दानवीर जी, आपका संघर्ष इसको लेकर रहा है और अब जो आदेश इसको लेकर जारी कर दिया गया है, क्या कुछ देख पा रहे हैं, कितनी खुशी आपको व्यक्तिगत तौर पर? इसको लेकर सर हमें खुशी तो बहुत है कि हम लोगों ने इतना संघर्ष किया और सरकार ने हमारी मांगे मानी है। बट अभी लड़ाई अधूरी है, अभी सरकार ने जो करा है, जो अभी वर्तमान भर्तियां हुई थी उनमें जो बाहर के खिलाड़ी लिए थे सब इंस्पेक्टर पे जो 28 प्लेयर उनको अभी तक बाहर नहीं करा है, उनको अभी ज्वाइनिंग भी नहीं दिया लेकिन उनको बाहर भी नहीं करा है। लेकिन खुशी है कि चलो हम एक सीढ़ी एक पायदान चढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दानवीर जी, आपने इन पूरी स्थितियों को बहुत नजदीक से देखा है, पहले की स्थितियां क्या कुछ थी और इस फैसले के बाद अब किस तरह की स्थितियां बदलेंगी, क्या देख पा रहे हैं आप? अगर सर जैसे हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करते हैं तो लोग कहते हैं हरियाणा में स्पोर्ट्समैन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, स्पोर्ट्स बहुत ऊपर ग्राफ उठ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा ने अपने राज्य के खेल कोटा भर्ती में उसी राज्य के मूल निवासी खिलाड़ियों को लागू ज्वाइन करने का 35 साल पहले उन्होंने ये आदेश निकाल दिया। आज हम राजस्थान सरकार 35 साल पीछे चल रही है अपने सिर्फ सीमावर्ती राज्य हरियाणा से, इसीलिए हरियाणा का स्पोर्ट्स में ग्राफ उठा है। आज राजस्थान सरकार अगर राज्य की नौकरी में राजस्थान के खिलाड़ियों को ही लेगी, अगर नियम अगर पूरी तरह से लागू जल्द जल्द ये कर दे तो मैं आपको कहता हूँ विगत आप 5 से 7 सालों में देखेंगे कि हम हरियाणा को बीट करके और राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर खेलों के नंबर 1 पायदान पर भी आ सकते हैं। जो आपने हरियाणा का जिक्र किया, वाकई 35 साल पुराना ये आदेश रहा, वहाँ पर ये फैसला ले लिया गया था। मोटिवेशन के लिहाज से अगर देखें, जो खिलाड़ी राजस्थान में यहाँ के मूल निवासी हैं, अलग अलग खेलों में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, मोटिवेशन उनको कितना मिलेगा कि अगर इस तरह से 2% का लाभ उन्हें अगर दिया जाता है तो? इस
इससे खिलाड़ियों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हाँ। उसका एक कारण ये है कि अगर राजस्थान के ज्यादातर टीम गेम्स की हम बात करें तो अंडर 14, 17, 19 सब में मेडल आ रहे हैं। हाँ। लेकिन सीनियर में नौकरी नहीं होने की वजह और राज्य के अंदर हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों को वरीयता नहीं देने के कारण उनको नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, सीनियर में मेडल नहीं आ रहे। हाँ। अब जिस हिसाब से सरकार अगर इसको पूरी प्रभावी रूप से इसको लागू करती है तो आप निश्चित ही 5-7 साल में देखेंगे कि राजस्थान की सीनियर टीमें बहुत अच्छे लेवल पर खेल के मेडल लेके आएंगी और हिंदुस्तान के अंदर अगर खेलों में अग्रणी राज्य बन के राजस्थान उभरेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फैसले के बाद, और जो आपकी सोच है उम्मीद यही है कि आने वाले समय में राजस्थान की कुछ दशा और दिशा इसी तरह की नजर आए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।